गुड इवनिंग दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ईबीडी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ईबीडी के फुल फॉर्म से शुरू करता हूं। ईबीडी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ईबीडी सिस्टम जो है हर नए ऑटोमोबाइल में, हर नए कार्स में आजकल लगी हुई आती है। एक्चुअली इसका काम बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। नॉर्मल कार्स में, जो कन्वेंशनल कार होते थे, उसमें क्या होता था कि जब आप ब्रेक पैडल से फोर्स लगाते थे, जब ब्रेक पैडल को प्रेस करते थे, तो एक जैसा फोर्स जो है सारे व्हील्स में, सारे व्हील्स के ब्रेक में जगह जाके लगता था। तो उससे क्या होती थी कि अक्सर क्या होता है हमारे कार्स में लोडिंग जो है वेरिएबल होती है, यानी दो पहिए पे अलग लोड लग रहे होते हैं और दो पहिए पे अलग लोड लग रहे होते हैं, तो उस लोड के हिसाब से ब्रेकिंग फोर्स भी अलग अलग चाहिए होती है, ताकि क्या हो कि आपका कंट्रोल ना खोए। अगर आपके चारों व्हील्स पे अलग अलग लोड लग रहे हैं और आपने एक जैसा फोर्स लगाया, तो ऐसा उसमें क्या होगा कि दो पहिए पहले रुक जाएंगे, दो पहिए बाद में रुकेंगे, या एक पहिया जल्दी रुकेगा, तीन पहिए बाद में रुकेंगे। तो बहुत तरह के केसेस पॉसिबल हैं, और इस केस में क्या होता है अक्सर आप अपने कार के कंट्रोल को खो देते हो और फिर कार को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का जो है एक सॉल्यूशन निकाला गया इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके। एक्चुअली आजकल हर कार में ABS तो लगी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये ABS सिस्टम को ही हद तक यूज़ किया जाता है इसके लिए, और उसी सिस्टम को यूज़ करके इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। बेसिकली जब आपके व्हील्स घूम रहे होते हैं, तो क्या होता है आपके व्हील्स के स्पीड को मॉनिटर किया जाता है सेंसर्स के थ्रू। ये देखा जाता है कि आपके व्हील्स कितने स्पीड से घूम रहे हैं, यानी इनकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, और कंपेयर करा जाता है आपके कार की वेलोसिटी से, मतलब आपकी जो कार की वेलोसिटी थी उससे कंपेयर करते हैं। तो दोनों को जब मिलाते हैं, तो अगर उसमें से कोई वेरिएशन आ रहा है, मतलब ये कि आपका चारों सेंसर आपके हर एक व्हील पे नजर रखे हुए है कि आपकी कौन सी व्हील कितने स्पीड से चल रही है, अगर आपकी किसी भी व्हील में के स्पीड में वेरिएशन आता है, ठीक है, जब मान लो कि आपने बहुत स्पीड पे आप चला रहे हो, एट स्पीड ऑफ 100-120 किलोमीटर पर चला रहे हो, और आपने सडनली ब्रेक अप्लाई किया है और आप कार पे अकेले बैठे हुए हो, यानी आप एक साइड को बैठे हुए हो, दूसरे साइड को कोई बैठा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब आप अगर राइट साइड को बैठे हुए हो, ड्राइव कर रहे हो, यानी इस व्हील पे जो है लोड ज्यादा लग रहा है और इस लोड पे एज कम्पेयर टू दिस व्हील लोड कम है, यानी इस व्हील को ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत ज्यादा है और इस व्हील पे आपको ब्रेक करने के लिए फोर्स की जरूरत कम है। तो अगर आपके कार में ईबीडी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये क्या करेगा कि जो आप ब्रेक फोर्स अप्लाई करोगे इस व्हील पे उतना ही, इस व्हील पे भी उतना ही आएगा जितना कि बाकी तीन व्हील्स पे आएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी कार की जो ये वाली व्हील्स है बाकी तीन व्हील्स है, ये पहले रुक जाएगी और जो ये व्हील है बाद में रुकेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी कार दाहिने तरफ को भागना चाहेगी या बाएं तरफ को मुड़ना चाहेगी, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा व्हील पहले रुकता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं, एक इश्यू का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का। ये एक तरह का कंप्यूटर है जो इस चीज को कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उस हिसाब से ये व्हील के लोड को चेक करता है कि कितना ज्यादा लोडेड है व्हील, और उस हिसाब से क्या करता है व्हील के स्पीड को चेक करता है। अगर ब्रेक लेते वक्त चारों व्हील्स के स्पीड में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, यानी अंतर होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रेशर रेगुलेटर, ये जो प्रेशर रेगुलेटर मैंने आपको सीमेटिक में दिखा रखा है, यहाँ देखो, जब आप ब्रेक पैडल अप्लाई करते हो तो सबसे पहले ब्रेक पैडल का सारा फोर्स जाता है मास्टर सिलेंडर पे, ठीक है, तो वो मास्टर सिलेंडर जितना भी फोर्स जाता है उसका सिग्नल ईसीयू को भेजता है कि देखो इतने जोर से मुझे ब्रेक पैडल को दबाया गया है, यानी जल्दी से ड्राइवर रोकना चाह रहा है या धीरे से रोकना चाह रहा है, वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा ब्रेक पैडल को दबाया गया। उसके बाद ईसीयू आपका सिग्नल भेजता है प्रेशर रेगुलेटर को, और ईसीयू सिग्नल तब भेजता है जब वो कंपेयर कर लेता है चारों व्हील के स्पीड को आपस में। अगर चारों व्हील के स्पीड एक जैसे होते हैं और ज्यादा वेरिएशन नहीं होते इनके स्पीड में, तो ये क्या करता है, ब्रेक नंबर वन, ब्रेक नंबर टू, ब्रेक नंबर थ्री, ब्रेक नंबर फोर, इन चारों पे जो है एक जैसा ब्रेक फोर्स भेजता है, यानी जो इस ब्रेक लाइन से,
ये जो ब्रेक लाइंस आप देख रहे हो, इन ब्रेक लाइन से एक जैसे फोर्स जाते हैं। मतलब अगर मान लो 5 मैग्नीट्यूड का 5 न्यूटन का फोर्स इधर जा रहा है, तो सारे व्हील्स पे 5 न्यूटन का ही फोर्स जाएगा। बट अगर व्हील्स के स्पीड में वेरिएशन है, कोई व्हील ज्यादा स्पीड चल रही है, कोई व्हील कम स्पीड चल रही है, तो उस हिसाब से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो बढ़ा दी जाती है या घटा दी जाती है, ताकि आपकी कार स्टेबलाइज रहे हर कंडीशन में और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट ना करे और आप कंट्रोल एनी टाइम रख सको। तो ये होता है बेसिक वर्किंग ईवीडी का। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू।